हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाजीपुर हिंसा पर बोले अखिलेश, सीएम योगी कहते हैं ठोक दो, इसलिए कभी पुलिस ठोक देती है कभी जनता। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भड़की हिंसा में पुलिस कांस्टेबल सुरेश वत्स की हत्या मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस हिंसा पर अखिलेश ने सीएम योगी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं कि ठोक दो, और ये घटना इसलिए भी घटी है क्योंकि सीएम सदन में हो या मंच पर हो, उनकी भाषा अपराधियों को ठोकने की होती है। इसलिए कभी पुलिस को समझ नहीं आता किसे ठोकना है, कभी जनता को नहीं समझ आता किसे ठोकना है। गौरतलब है कि शनिवार को गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद कुछ लोगों का समूह अपनी समस्याओं को लेकर पीएम से मिलना चाहता था, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद भीड़ बेकाबू होकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगी। इस पत्थरबाजी में कांस्टेबल सुरेश वत्स की मौत हो गई। कांस्टेबल सुरेश वत्स की मौत के बाद यूपी पुलिस और योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि कैसे पुलिस वालों को बेकाबू भीड़ मार दे रही है। इससे पहले भी बुलंदशहर के सियाना में इंस्पेक्टर सुबोध की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में भाजपा से जुड़े संगठनों के नाम सामने आए हैं। गाजीपुर हिंसा के आरोप है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पत्थरबाजी से कांस्टेबल की हत्या हुई है। वहीं मृतक सुरेश वत्स के बेटे बीपी सिंह ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। जब योगी सरकार के पुलिस कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे यूपी को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे। दूसरी सरकारों पर गुंडा राज का आरोप लगाने वाले सीएम योगी की सरकार अब खुद जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। यहाँ जनता की रक्षा करने वाले खुद पुलिस ही मारी जा रही है। इसकी बागनी बुलंदशहर के बाद अब गाजीपुर में देखने को मिल रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।